तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सर। आज हम खेलने वाले माइनक्राफ्ट। इस जगह पास है, आ, 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 देख रहे सामने विलेज और साथ में एक डजन टेंपल। हाँ, ये सीट जान तो ये सबसे दुनिया का सबसे रेयर सीड है। सी अब स्पॉन, मैं यहाँ पर सामने स्पॉन हुआ हूँ। मुझको यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आने मिल गई। वाह, ये और हाँ, एक तोड़ूंगा सारा गिर जाए। को पता है ये वाली जगह बहुत वन ऑफ द बेस्ट सीट है, क्योंकि मैंने पहले भी ट्राई करा था। अगर ये देख सकते हैं डेजर्ट टेम्पल है, इसके आगे कहीं ना कहीं वो हो सकता है स्केलेटन स्पॉनर, वो देख सकते हैं। ये केव है, दिख रहे हैं, ये कोई नॉर्मल केव नहीं है। यहाँ पे भी यहाँ पर है वो स्केलेटन स्पॉनर, यहीं था ना, मैंने देखा था पहले। हाँ, यहीं कहीं था, यहीं कहीं होगा, मगर छोड़ दे रहे हैं हम लोग। तो गाइस, मैंने देख ये देख सकते हैं, ये है स्केलेटन स्पॉनर। इसके अंदर जाएंगे तो ये स्केलेटन स्पॉनर। सो आप स्केलेटन फॉर्म बना सकते हैं, उससे आप अल्टीमेट बोन ले सकते हैं, और आप देख सकते हैं। और हाँ, इससे भी एक रेयर चीज़ है ये स्केलेटन फॉर्म तो हो गया, मगर बस नहीं, और भी है। डेजर्ट टेम्पल भी है, इसके अंदर चार डायमंड भी मिल सकते हैं। कभी कभी मिल भी जाते, कभी कभी कचाड़ा भी मिल जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं इसकी जगह, यहाँ पर आपको एक विलेज मिलेगा, वो भी खतरनाक वाले विलेज। यहाँ पर होगा ऐसी विलेज, यहाँ पर केव होगा जिससे आप फुल ऑफ सेट ऑफ आयरन आर्मर बना सकते हैं। और अगर मैं अगर आप यहाँ आप यहाँ पर इस जगह में डिस्काउंट करेंगे, तो आपको एक केव एक चीज़ मिलेगी, दिखा रहा हूँ आपको, एक स्पॉनर मिलेगा और साथ में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपको मिल सकता है स्ट्रॉन्ग होल्ड। यहीं ठीक सामने ही यहीं स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था, देखें ये यहीं कहीं स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा। और ये वन ऑफ द बेस्ट सीट है, देखिए इसके अंदर स्ट्रॉन्ग होल्ड भी है। और देख सकते हैं ये असली स्ट्रॉन्ग होल्ड है, नकली नहीं, जिसमें आप लाइब्रेरी भी हो सकते हैं। जैसे अंदर घूमते हैं तो यहाँ पर लाइब्रेरी देखें, टगरी लूट मिलेगी आपको यहाँ पर बहुत सारी। ऊपर भी चल के देखें, चलते हैं ऊपर। और ये अगर आपको सीधा यहीं से डिग करना है, तो आप पानी के पास आ, हाँ मैं उस पानी में आ गए, मतलब कि नीचे पानी फैल जाएगा। ये जगह थी स्ट्रॉन्ग होल्ड की थी। अब हम अपने टिकटॉक से बात करते हैं, तो फिर हम लोग तो ऐसा दिखता जिससे आप अपने दोस्त को भी दिखा सकते हो और आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, बहुत फनी है। और आपको इसके लिए एक कमांड चाहिए, वो है बारर। वो बारर सिर्फ आपको कमेंट से मिलेगा, सर्वाइवल में भी नहीं, पर सर्वाइवल का भी तरीका बना सकते हो जिससे आप भी सर्वाइवल बना सकते हैं। पहले आपको गिफ एंड्रॉयड एस, फिर इसके बाद बी बी आर आर आई ई आर। अब ये मेरे को देगा बार, ये होते हैं बारह, जिससे आप प्लेस करते हो तो ये इनविंसिबल ब्लॉक होता है, और इसके अंदर आप चढ़ भी सकते हो। ऐसे लॉगी चपाती ने विलेजर को ऐसे कैप वो चीज को कैप करके एकदम वॉटिंग बनाया था, वो चीटिंग के तो चुके वो लोग, तो कभी दुबई सिटी है ना उनका। तो अगर हम एक और ब्लॉक ऐसे आपको एक ऐसी चीज बनानी है, और ये हार्ड काम है, तो क्या आपको सिक्स इन नजर नहीं आएगा। अगर आप चाहिए क्रिएटिव में भी बना सकते हैं, नीचे का तोड़ा ये ऐसे, इसको ऐसे रखो ऐसे, इसके बाद एक दो तीन एक ऐसे करके अब नीचे गंडा कर लेना। तो मैंने 12 तोड़ दिया, इसको तोड़ लगा देता हूँ। अरे मैंने नीचे की तरफ 12 लगा देता हूँ। और ये क्रिएट सर्वाइवल में टूट नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत खतरनाक ब्लॉक है, क्योंकि मैं अगर मैं हाथ छोड़ूंगा तो मैं हवा में उड़ रहा हूँ। ठीक है, और अब ये देखते हैं, नज़र भी नहीं आ रहा है मुझको ब्लॉक कहाँ, तो मैं छूँगा तो ये होगा सही। ठीक है, अब मुझको एक विलेजर चाहिए, जो कि मैं निकालता हूँ अभी।
किसी वजह से डाल देता हूँ, डालता हूँ। विलेजर्स कौन है? Will play spawn egg. This is spawn egg. कर को चाहिए एक name tag. Name. एक anvil. बहुत funny होने वाला है, आप देखते जाओ. Anvil. Anvil. Anvil चाहिए, lava चाहिए. Lava. Lava चाहिए. Lava को आपको be careful से रखना है, वरना ये गलती से आप कहीं भी लगा सकते तो लगाए थे। अब तोड़ा है यहाँ पे इस साइड यहाँ से मैं तोड़ा तो ऐसा लगेगा जैसे कि लावा पुल है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया आपका। यहाँ पे मैंने 12 टाइम प्रेस किया। यहाँ पे बस आपको लावा डालते ही जाना है। एक से भारत देखने लो एकदम उसके नीचे ये चीज हो गया। आपको एक सेकंड के लिए भारत देखना है कि कहाँ पॉइंट होता है और आपको नीचे यहाँ पे रख देना है। वहाँ पे कोने में नहीं रखा। ये हो गया, आपको एक विलेजर डालना है। भारत देखो कहाँ है, विलेजर डाल लेना इस ब्रिज। वाह तू लेफ्टिनेंट बन, तू क्या बन गया? ऐसे एक एनवर लेके आपको लिखना तो है आपको डिनर बोन। डिनर डिनर पी ओ एन ई डिनर बोन लिख देना और इंजर्ड हो गया। आपको एक डिनर बोन लेना, इसको नेम करना है। जब ऐसे उल्टा हो जाएगा इसके बाद आपको कोई सा ब्लॉक चाहिए, ब्लॉक जैसे कि मैं डायमंड यूज करने वाला हूँ और एक चेन। चेन इसलिए चाहिए ताकि मैं उसको उल्टा लग माऊँ ऊपर से। मैं चेन देखा था पहले यहाँ पर हुआ करता था, नहीं चल चेन सर्च करके निकाल भी सकते हैं। ए आई एन गेरा आपको को कहीं से यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन एक्शन के लिए 12 चेक कर लो और आपको इसके नीचे अरे ऐसे नहीं ऐसे ऐसा लगे जैसे मैंने इसको सजा दिया कि उल्टा लटको। ऐसे कैसा बना, मज़ा लग रहा है ना? अगर आपको भी अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। मगर मैंने 12 का यूज़ किया असली बात ये क्या। अब मैं आपको बताऊंगा जो कि आप उसकी ही तरह कर सकते हैं बगैर 12 के। आपको इसके लिए ग्लास पेन चाहिए क्योंकि ग्लास पेन नज़र नहीं आएगा तो विशेष है। आपको पहले इस जगह में जाना है, यहाँ पे आप जितने घंटा खोदने कर दो मगर आपको सिर्फ चाहिए 9 घंटे। बीच में लावा ऐसे करके रख देना, फुल कर देना एक ऐसे एक दो दो कर देना एकदम बीच में। ब्लॉक यहाँ तोड़ दो। यहाँ पर अब आपको एक आराम से विलेजर रख देना, गिराना नहीं, और आपको उसको नेम टैग रख देना एकदम। इसके बाद एकदम उसी की तरह आपको तरह करना नहीं ऐसे जैसे और ऊपर ऐसे ऐसा। और आप इसको सर्वाइवल में बना देखें। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इन दोनों फार्मर को सजा दे रहा हूँ। ऐ तू फार्मर काम नहीं करता है ना, ऐसा लग रहा है कि तू ऐसे ही लुट कर। और ये तो एकदम ऐसा ही लग रहा है जैसे सेम नीचे कुछ नहीं है, मगर इसका ग्लास इसलिए लगा है ताकि ये सर्वाइवल आप बना भी सकते। ऐ मेरे को हल्का सा पुश भी नहीं करना है इसको, देख इसको हल्का सा पुश किया है। अगर आप चाहो उसके ऊपर फायर रिजिस्टेंस दे सकते हो, जैसे पोशन कोई सा दे सकते हो। फिर ये आप गलती वरना आप अगर नहीं डालेंगे तो गलती से नीचे गिर जाएगा, आपका मेहनत गिर जाएगा।
छः मिनट का। अगर आप डालेंगे इसके पर फायर रिसेटिंग, फिर ये आप पानी में रह सकते हैं। इसको स्पॉन करो, ये रहना लावा में, कुछ नहीं करना। इससे आप इससे मैं आपको है ही कुछ को भी मिला है ना, तो लावा में जा, लावा में जा, लावा में जा, लावा में जा, लावा में जा। ठीक है, अब मैं इतना क्लियर कर देता हूँ। वैसे ये टिकटो हैक तो हो गया, चलो मैं ये क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको ये वाली सीट दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दूँगा ये वाली सीट। ये आप ट्राई भी करें तो ये वाली अच्छी सीट है। क्लियर। अगर आपके पास एक दोस्त हो तो आप एंड्रेस ए लिख सकते हैं, मतलब उसका मतलब है कि ऑल प्लेयर्स, अगर आप साथ मिलके बना रहे हो। ए चलना नहीं है तुमको, इसके भाई तो मर गए मगर वो तो बच चुका है। तो इसके लिए बनाने के लिए दूसरे टिकट बनाने के लिए आपको जैसे कि मुझको इस कर, जैसे कि मैं पिकेक्स निकालता हूँ नेदरराइट की, एंड आई नहीं क्या लिख रहा हूँ, नेदरराइट की पिकेक्स और एक सिल्क एल के सिल्क सिल्क टच की बुक निकलूँ जल्दी से मैं। और मेरे को और भी चीज़ चाहिए जिसका नाम है वो भी, और उसका नाम है सिल्क टच भी चाहिए, और मुझको क्या चाहिए था, हाँ एनविल जिससे मैं लगा सकूँ। अगर एनविल वहाँ पर है वहाँ से मैं लगवा दूँगा एनविल। ठीक है, अब मुझको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है, वो है नेदर गोल्ड वाला ओर आपको निकालना है। जल्दी से जल्दी से सेकेंड ए। तो गाइस मैंने वो सारी चीज़ निकाल ली जो मुझको निकालना था, मैं सर्वाइव से इसमें ले गया। जैसे कि अगर आप नेदरराइट की पिकेक्स से माइन करते हो तो आपको ये ऐसे गोल्ड मिल सकते हैं, गोल्ड नगेट, जिससे आपको 9 चाहिए होगा और उससे आप एक ही बना सकते हो। ये कैसे हो सकता, एक ही क्यों बना सकते हैं आप? इसके लिए मैं आपके पास एक ऐसा चीज़ ऐसी चीज़ है जिससे आप, उसके लिए आपको सिलटेक्स लेकर एक और जमा करना है। इसके बाद आपको अगर और जितनी चाहिए आपको ले सकते हो, यहाँ से वुड भी ले लें, जो मैंने वुड नहीं लिया, मेरे को पता भी नहीं था। एक एक और दो जल्दी से मैं ले लेता हूँ। ए हट ना, विलेजर जाएं से, जल्दी से मैं इन सबको वुड में कन्वर्ट कर देता हूँ। फेंक गया मैं, फेंक तक क्यों फेंक दिया। जैसे कि अगर आप साथ लेते हो तो आप गलत कर रहे हो, जिससे आप बहुत गलत कर रहे हो, आपको 9 चाहिए पड़ता है, जिसकी वजह से आपको बहुत मुश्किल पड़ती है और आपको सिर्फ नगेट मिलता है। मगर मेरे पास ऐसे तो होता है, जैसे कि आप इसके अंदर डालेंगे तो देख सकते हैं रिजल्ट बोल रहा है गोल्ड इंगेट। अरे जैसे ही आप डालेंगे ये देखेगा क्या बनेगा। डली से इधर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर दिया, जल्दी से मैं रख देता हूँ। इसे तो जैसे मैं रखता हूँ तो ये गोल्ड इंगेट, ये आप ऐसी ट्रिक यूज़ करते थे, उसके लिए आपको सिल्क टच ही चाहिए पड़ता है और कोई नॉर्मल पिकेक्स नहीं। अगर जब चाहो आप फॉर्चून ट्री भी यूज कर सकते हो। देखो मुझको इतने सारे बहुत सारे गोल्ड मिले जिससे मैं एक वो बना देता हूँ, एक जूते। इसे कहते हैं देसी चोट का, इससे आप अल्टीमेट ले सकते हैं और ये बहुत यूजफुल है क्योंकि इससे आप कभी
गोल की जरूरत नहीं होगी। अगर आप एक स्टैक ऑफ ले सकते तो आपके पास एक स्टैक गोल आ सकता है और ये बनाना मुश्किल नहीं है और इससे आप अल्टीमेट गोल ले सकते हो। अगर आप ऐसी नॉर्मल पिकेक्स में तोड़ोगे तो आपको नगेट मिलेगा वो भी 3, अगर आप तो ये आपको ज़्यादा देगा। नेदरराइट पिकेक्स है ना, फॉर्चून ट्री लगती ना नेदरराइट पिकेक्स में, बहुत देता। इससे मैं कितने बना सकता हूँ, इससे मैं 3 आए वो बना सकता हूँ। कैसा मज़ा आया, अगर आप भी यूज ट्रक कर सकते हो आप, जिससे आपके पास अल्टीमेट गोल्ड भी आ सकता है। पहली से दूसरे हैक में बढ़ते हैं, ठीक है।